सभी का स्वागत है फिर से एक बार जेपी प्लानिंग जंक्शन में। तो एक न्यू वीडियो के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वही जो कल मैंने अपलोड किया था, जो कि 3 BHK का प्लान था 1350 स्क्वायर फीट का, उसका आज फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन करेंगे और उसका जो कहाँ पे बालकोनी रखेंगे, कहाँ पे स्टेयरकेस वगैरह, उसके बाद सब बात करेंगे आज। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये चैनल पहले बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुँचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कल जो वीडियो अपलोड किए थे ग्राउंड फ्लोर प्लान, उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये था कल का जो प्लान था, ये था कि 30x45 प्लॉट पे 3 BHK प्लान था। इस पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो ये था पूरा ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो आज उसका फर्स्ट फ्लोर प्लान करेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि प्लॉट का डिज़ाइन ग्राउंड फ्लोर पर था, इस साइड जो था जो कि प्लान का इस साइड था 30 फीट था और इस साइड 45 फीट था, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है पूरा सेम टू सेम ही है लगभग। तो स्टेयरकेस में आप जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा जो कि ओपन बालकोनी है, ठीक है। वहाँ पर इधर बारेंडा था, तो बारेंडा के ऊपर आपका बालकोनी अभी आ जाएगा, ठीक है, जो कि 16x8 फीट का है, ठीक है। और स्टेयर केस फर्स्ट फ्लोर का वही 12x4 by 8 फीट का, ठीक है। तो ये आपका ओपन एरिया आ गया, ओपन बालकोनी। ये जो देख रहे हो ये पूरा इधर आप रेलिंग कर सकते हो, ठीक है, 5 फीट का रेलिंग कर सकते हो। उसके बाद हम मेन डोर दे के एंट्री करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका मास्टर बेडरूम आएगा जो कि 12x10 फीट है, ठीक है। उसके बाद उसका टॉयलेट एक अटैच है जिसका साइज़ 8x6'3" का आपको टॉयलेट भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पैसेज है वो 6'8" का पैसेज आपको मिलेगा। उसके बाद जो किचन आपका फर्स्ट फ्लोर में भी है उसका जो साइज है वो 8x10 फीट है, ठीक है। उसके बाद आपका डाइनिंग कम लिविंग एरिया यहाँ पे आता है, और इधर डाइनिंग कम लिविंग एरिया का एक 4x4 फीट का विंडो भी दिया है कभी लाइट आने के लिए, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन है वो 19x11x by 12x10 का आपको पूरा एक काफ़ी बड़ा सा डाइनिंग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कॉमन टॉयलेट आता है जो कि 8x6'3" का। उसके बाद बेडरूम वन आएगा जो कि 13x9x by 10 फीट का बड़ा रूम है, पूरा अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद 13x9x into 10 फीट का बेडरूम टू भी आएगा, काफ़ी बड़ा स्पेस भी इधर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा जो रूम का डिटेल्स है, ये पूरा डायमेंशन मैंने बता दिया। तो अभी बात करेंगे वॉल डिटेल्स, विंडो और डोर डिटेल्स के बारे में। मैं जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, तो मैं जल्द जल्द बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो डोर का डिटेल्स पहले बात कर लेते हैं, जो कि ये मेन डोर आपका है, मेन डोर 4x7 फीट का है, ठीक है। उसके बाद जो D1 आपका आएगा वो 3x6 by 7 फीट का आएगा, और D2 जो है वो 3x2 by 7 फीट है, और D3 जो है वो बाथरूम का आएगा जो कि 2x6 by 7 फीट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विंडो डिटेल्स, ठीक है। विंडो स्टेयर केस का जो यहाँ पर है वो 3x4 फीट है, जो कि आप एलुमिनियम का जो फिक्स्ड UPVC डोर है, विंडो है, उसको लगा सकते हैं। उसके बाद W1 जो है वो 5x4 फीट का आया है, W2 जो है 4x4 फीट, और वेंटिलेटर जो ये दोनों है वो 2x2 फीट का है, ठीक है।
तो ये आपका आ गया डोर और विंडो डिटेल्स पूरा आपको मिल गया। उसके बाद वॉल का थोड़ा बात कर लेते हैं, जो कि ये सब 10 इंच वॉल है, वो जो रेड कलर का जो सब देख रहे हो वो वॉल ही है। तो वॉल आपका 10 इंच है और यहाँ पे ये जो बाथरूम का पार्टीशन वॉल है और ये वाला पार्टीशन है, ये 5 इंच मैंने रखा है, ठीक है, ये दोनों वॉल। तो उसके बाद यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप रेलिंग करेंगे बालकोनी का, तो काफ़ी लुक अच्छा लगेगा घर का, फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल सा आ रहा है, ये सब कॉलम है, ठीक है, जो कि मैंने मेरा ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है, 10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम दिया है, ठीक है। तो ये आपका आ गया पूरा फर्स्ट फ्लोर प्लान, जिसका बिल्टअप एरिया 1350 स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा टेरेस प्लान, ठीक है। टेरेस प्लान की बात करेंगे तो टेरेस आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्टेयर केस है, ये सिर्फ स्टेयर केस आपका रह गया, ये आपका चार्जर प्रोजेक्शन निकल गया 1 फीट 6 इंच का, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर देख रहे हो, यहाँ पे आपका स्लोपिंग आ जाएगा, ठीक है, जो रेन वाटर ड्रेनेज होगा तो ये स्लोप से आपका पाइप जो फिटिंग पीवीसी पाइप से फिटिंग होके जाएगा, ठीक है, ग्राउंड तक। तो ये हो गया आपका सब पैरापेट वॉल 5 इंच का, और ये हो गया आपका स्टेयर केस। यहाँ पे एक विंडो, फिक्स्ड विंडो है, जिसका साइज़ 3 फीट बाई 4 फीट है, ठीक है। तो इसका जो बिल्टअप एरिया आएगा वो 132.11 स्क्वायर फीट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा जो है 3 BHK प्लान 1350 स्क्वायर फीट पे G+1 का प्लान, ठीक है। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।